हम सबको मालूम है, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक जमाना था जब सिक्के भी नहीं थे, नोटे भी नहीं थी, बार्टर सिस्टम हुआ करती थी कि आपको अगर सब्जी चाहिए तो बदले में इतने गेहूं दे दो, आपको नमक चाहिए तो बदले में इतनी सब्जी दे दो। बार्टर सिस्टम से ही कारोबार चलता था। धीरे धीरे करके मुद्रा आने लगी, कॉइन आने लगे, सिक्के आने लगे, नोटे आने लगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं, रुपये दे भी सकते हैं, चीज खरीद भी सकते हैं, बिल चुकता भी कर सकते हैं, और इससे जेब में से कभी बटुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा। शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जाएगी। और ये संभावना इसलिए है कि हमने इन दिनों जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का अभियान चलाया, देश के करीब करीब सभी परिवारों के बैंक खाते खुल गए, दूसरी तरफ आधार नंबर भी मिल गया, और मोबाइल तो करीब करीब हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के हाथ में पहुंच गया है। तो जनधन, आधार और मोबाइल, जेम, JAN, इसका तालमेल करते हुए हम इस कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।